नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है जीतू और आप देख रहे हो जीतू टेक YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो WhatsApp के अंदर जो पुराने मैसेज है, यानी कि 5 दिन पहले या फिर जो 10 दिन पहले या फिर जो 1 महीना पहले, अगर आप मैसेज डिलीट करना चाहते हो सामने वाले के मोबाइल में, जिसको आपने मान लीजिए गलत कोई जो है मैसेज किया था या फिर जो गलत सेंड हो गया था, अगर वो आप अब जो उसको डिलीट करना चाहते हो तो कैसे आप जो डिलीट कर सकते हो, इसी के बारे में आपको जो है जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ व्हाट्सएप को ओपन करके। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल मेरा अभी व्हाट्सएप ओपन है और यहाँ पर मैं एक मैसेज जो है यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, बाद में करूँ, ये जो मैसेज है मेरा सुबह का है। ओके, 8:25 AM है। ओके, तो ये जो मैसेज मेरे सुबह का, लेकिन मैं यहाँ पर डिलीट करूँ तो डिलीट फॉर मी और कैंसिल ही नाम आ रहे हैं, तो इस मैसेज को जो मैं डिलीट नहीं कर सकता। ओके, सामने वाले के मोबाइल में मेरा जो फ्रेंड है उसके मोबाइल में ये जो मैसेज डिलीट नहीं होगा, खाली जो है मेरे मोबाइल में डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके कारण जो आप है उसके ही मोबाइल से जो है डिलीट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को कर लेना है फ्लाइट मोड पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर लिया है। फ्लाइट मोड पर करने के बाद यहाँ पर आप क्या करना है, पहले व्हाट्सएप को यहाँ से जो है रिसेंट मैसेज जो है क्लियर कर देना है। ओके, उसके बाद आपको जाना है अपने मोबाइल की सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेनी, हो सकता है नीचे भी मिले या फिर जो है आपको मोर सेटिंग वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाए। मेरे फिलहाल ये जो मोर सेटिंग का ऑप्शन में मिल रही है, अगर आपके पास सैमसंग है तो हो सकता है आपको नीचे भी इसकी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। और यहाँ पर सारे एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को चूज़ कर लेना है और यहाँ पर जो व्हाट्सएप फोर्स स्टॉप नाम लिखा दिखाई दे रहे हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये जो व्हाट्सएप है ये जो फोर्स स्टॉप हो गया। ओके, एकदम मतलब रुक सा गए हो। अब आपको यहाँ पर सीधा फिर से जो है कट कर देना है, एक बार इसको फिर से यहाँ से हटा देता हूँ। और फिर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन जो चूज़ करना है। ओके, उसमें जो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो अब अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि व्हाट्सएप का जो टाइम हुआ था वो मेरा था 8:25 का। ओके, तो 8:25 का जो मैसेज जो टाइम था यहाँ पर भी आपको जो है 8:26 करीब कर देने हो। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ऑटो वाले, और यहाँ पर जो है आपको AM करके 8 जो है 26 के करीब मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बे का जाना है, और जो डेट थी वो तो आज ही की थी क्योंकि सुबह का मैसेज था। हालांकि अगर आप 2 दिन पहले हो तो 2 दिन पहले की जो डेट है वो डाल देना, जिस दिन का मैसेज होगा उसी का जो है डेट डाल देना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर फिर से व्हाट्सएप ओपन करना है और यहाँ पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पर ये जो मैसेज था ये देख लीजिए जो है 8:25 का मैसेज था, ये जो मैसेज है ये मैं जो डिलीट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो मैसेज मैं डिलीट करूँ तो डिलीट फॉर एवरीवन नाम आ गया। ओके, इसको मैंने डिलीट कर दिया, फिर इसको भी मैं जो मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट फॉर एवरीवन नाम आ रहे हैं, और इसको भी जो मैंने डिलीट कर दिया। हालांकि ये जो मैसेज है आप देख सकते हो सुबह के मैसेज है, और आपको जो टाइम वही डालना है। ओके, और एक बार मोबाइल को जो है फ्लाइट मोड पर रखना है। ओके, अब आप क्या करना है, अब आपको बैक आना है और यहाँ से सीधा से जो है वापस जो है फ्लाइट मोड को ऑन कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप फ्लाइट मोड को ऑन करेंगे तो मैसेज जो ऑटोमेटिकली जो डिलीट हो जाएंगे, और मतलब उस जो भी आपके 5 दिन या फिर 4 दिन 6 दिन जो भी आपके मैसेज होंगे उसका आपको डेट डालना है और वो जो मैसेज है डिलीट हो जाएंगे। तो सब मैं आपको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर करना है, उसके बाद व्हाट्सएप को जो है फोर्स स्टॉप करना है मोबाइल की सेटिंग में जाके, एप्लीकेशन की सेटिंग में जाके, और उसके बाद जो आपको टाइम डालनी है जो आपके मैसेज की जो टाइम है वही टाइम आपको यहाँ पर डाल देनी है। ओके, और उसके बाद जो आप मैसेज को जो डिलीट करने के बाद जो फ्लाइट मोड को वापस ऑफ करोगे तो आपका जो है मैसेज है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास फिलहाल एक ही मोबाइल है, तो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता कि मतलब मैसेज डिलीट हुआ कि नहीं, लेकिन 100% ये जो है ट्रिक काम करती है और मैसेज जो आपका डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे जो ट्रिक के वीडियो जो लाता रहता हूँ, एप्लीकेशन वगैरह के वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हमारे वीडियो, तब तक प्लीज़ जय हिंद जय भारत।